यूपी की सियासत ने उबाल मारना शुरू कर दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने रह गए हैं, इसलिए योगी सरकार रणनीति बनाने में जुट गई है और सत्ता वापसी के लिए सब कुछ किया जा रहा है। जानकारी है कि यूपी सरकार जल्द ही अपना खुद का एक जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने जा रही है, जिसके तहत 2 से अधिक बच्चे होने पर माता पिता को सरकारी सुविधाओं और सब्सिडी से वंचित होना पड़ सकता है। हालांकि इस मुद्दे पर विपक्ष ने बीजेपी सरकार को घेर लिया है, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी इसे चुनाव से पहले ध्यान भटकाने वाला मुद्दा बता रही है, तो वहीं कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है कि ऐसे कानून लाना राज्य के हाथ में नहीं। वहीं दूसरी तरफ सपा नेता राम गोविंद चौधरी ने सीएम और पीएम को निर्वंश तक कह डाला। हालांकि ऐसा बयान देकर सपा नेता विवादों के घेरे में आ चुके हैं। दरअसल चौधरी जी से जब जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि यह काम मोबिलाइजेशन से किया जा सकता है, कानून से दंडनात्मक कार्रवाई होती है जनता पर। वहीं बोलते बोलते वो यह भी बोल गए कि जनसंख्या ना बढ़े यह सच है, लेकिन जनसंख्या प्राकृतिक देन है, क्योंकि पीएम और सीएम निर्वंश है, इसलिए पत्नी परिवार का दर्द वो क्या जाने, इसलिए जो चाहे वो कानून लाए। वहीं इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सांसद और एक्टर राज बब्बर ने ट्वीट के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए लिखा, 5-7 भाई बहन के परिवार से आने वाले के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण की बात अच्छी नहीं लगी, पर जो बच्चे इन संसार में आ चुके हैं पहले उन्हें तो बचाइए, तीसरी लहर दस्तक दे रही, कोई और खिचड़ी पकाने से पहले देश भर में बच्चों को वैक्सीन तो लगवाइए। वैसे आपको बता दें, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के लिए राज्य विधि आयोग ने अन्य राज्यों के जनसंख्या नियंत्रण कानून का अध्ययन करना शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आयोग कानून का मसौदा अगले 2 महीने में राज्य सरकार को सौंप देगा। दिकंटाप से बुशरा की रिपोर्ट।